हेलो। हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल? क्या मैं लाइव हूँ? अगर आप मुझे लाइव सुन पा रहे हैं तो मुझे बताओ कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। एफआर का पेपर हो चुका है और हम 10 मिनट के अंदर एफआर के पेपर का रिव्यू करेंगे। बस रिव्यू करके भूल जाएंगे कि कैसा पेपर रहा। स्पेशली ये रिव्यू उन बच्चों के लिए नहीं है जिन बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं। ये रिव्यू उन बच्चों के लिए हैं जिन बच्चों के एग्जाम्स नहीं चल रहे हैं। एंड बिलीव मी, आपके अगर अभी एग्जाम्स हैं तो आप प्लीज़ ये रिव्यू मत देखिए, बाद में देख लेना। आप अभी अपने SFM पर ध्यान दो और आज का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 3 से 4 चैप्टर SFM के निपटा लेना। सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। जल्दी बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। एफआर का पेपर का रिव्यू जो है वो मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जो बच्चों के अभी एग्जाम्स नहीं चल रहे हैं। चलो तो पॉइंट पे आते हैं गाइस। मैं आपको बता दूं कि एफआर के जो पेपर हुआ है, एफआर का जो पेपर हुआ है, क्या लगता है आपको कैसा रहा? मतलब लेंदी था, इजी था, टफ था? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताओ। लेंदी था, इजी था, टफ था? क्या लगता है आपको? मुझे आपके कोई ना कमेंट नहीं दिख रहे हैं। क्या आप कमेंट कर पा रहे हो? क्या आप कोई कमेंट कर पा रहे हो कि नहीं? जल्दी बताओ, मुझे आपके कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं? हाँ, अभी 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 दिख रहे हैं, अभी दिख रहे हैं, अभी दिख रहे हैं। हाँ, यस 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 यस। लेंदी, ट्रिकी प्लस लेंदी इज इक्वल टू हार्ड, अनएक्सपेक्टेड। यस, हाँ जी। FI का क्वेश्चन 4 एडजस्टमेंट समझ नहीं आया। FI का क्वेश्चन 4 एडजस्टमेंट समझ नहीं आया, जबकि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बेस्ट था क्वेश्चन 6 अटेम्प्टेड सेकेंड इन सीक्वेंस एंड वॉज एबल टू अटेम्प्ट ऑलमोस्ट फुल पेपर। मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी अटेम्प्ट करोगे तो पेपर जल्दी होगा, मैंने कहा था। सबसे पहले मैं बता दूं, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जो सुपर 40 मास्टर प्रॉब्लम्स दी थी और जो टॉप 164 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, कई सारे बच्चे मुझे रिप्लाई करके बोल रहे हैं सर मतलब इतना काम आया, इतना काम आया। अभी तक तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया है कि इन दोनों में से ओवरऑल कितने मार्क्स का पूछा गया है, बट जो मेरा ओवरऑल एनालिसिस रहा है, ऐसा लगता है कि लगभग लगभग 70 मार्क्स का टॉप 164 क्वेश्चन और 40 सुपर 40 मास्टर प्रॉब्लम से आया है। एक बच्चे ने तो बताया सर आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन का लगभग लगभग सेम क्वेश्चन मास्टर प्रॉब्लम में दे रखा था। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी तरफ से आपको क्या लगा। अगर आपने ये रिफर किया था तो आपको क्या लगा, आपको ये हेल्पफुल रहा कि नहीं। अभी मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें हुई। देखो, पेपर का डिस्कशन तो मैं आपको करूंगा, बट जो चीजें मैंने कुछ कुछ ध्यान दी वो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट टाइम IND AS 24 से पूछा गया, पहली बार IND AS 24 से पूछा गया। IND AS 10 से भी बहुत कम आता है, बहुत कम। IND AS 10 तो बच्चे छोड़ के जाते हैं, बोलते छोड़ो यार कौन टाइम वेस्ट करेगा। IND AS 10 से आया, एंड बिलीव मी, IND AS 10 से जो आया है वो CA इंटर में पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूं CA इंटर में। CA इंटर में वो केस स्टडीज पढ़ाई जाती है, इतनी ईजी थी, ठीक है ना। तो जो न्यू था FR में, नया क्या था? नया ये था कि IND AS 24 और IND AS 10 बहुत ही कम एक्सपेक्ट होता है कि ये सब आता है। 24 आज तक नहीं आया पर आ गया। एक्सपेक्टेड बट नॉट केम, ओ बाय गॉड, क्या क्या एक्सपेक्ट किया था पर नहीं आया। यार शेयर बेस्ड पेमेंट कौन नहीं पूछता यार, इस बार शेयर बेस्ड पेमेंट नहीं आया। आप कुछ कमेंट करना चाहोगे क्या? IND AS 116, मैंने आप लोगों को कहा था 3 दिन पहले कि 116 पे तुम बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो जबकि उसकी औकात इतनी नहीं है। 116 की औकात इतनी ज्यादा नहीं है, हार्डली वो आएगा तो 6 मार्क का 8 मार्क का आएगा, पर तुम टाइम बहुत ज्यादा दे देते हो, आया ही नहीं, ठीक है ना। जिसने मेरी बात मानी होगी वो अभी आज खुश होगा। इसके अलावा EPS IND AS 33 से लगातार 4-5 अटेम्प्ट से पूछा जा रहा था, इस बार नहीं आया। 21, 12, 19, भाई साहब पूरी स्पेशल कैटेगरी IND AS से कुछ खास नहीं आया, पूरी स्पेशल कैटेगरी से कुछ खास नहीं आया, ठीक है ना। एक बच्ची बोल भी रही है हाँ ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन जो BC वाला था, बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला। तो क्या क्या एक्सपेक्टेड था? IND AS 36 इंपेयरमेंट एक्सपेक्टेड था, ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड थी। यार कुछ भी नहीं आई, लिटरली ये क्या चल रहा है, इनमें से कुछ भी नहीं पूछा गया। जो इतनी मेहनत अपन करके जाते हैं इसमें से नहीं पूछा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब पेपर टफ आया था। मैं आपको बताऊंगा मेरा व्यू पॉइंट क्या रहा। थ्योरी कॉन्टेंट, हाँ
आप जो बोल रहे हो ना कि पेपर लेंदी था, मैं खुद कहूंगा पेपर लेंदी था। पता है क्यों? क्योंकि उसमें थ्योरी कंटेंट बहुत ज्यादा लिखना था। साला 115 में तो हम पहले से ही तैयार होके जाते हैं कि हाँ यार 115 में हमें लिखना पड़ेगा, बट उसके अलावा इंडेस 37 में लिखना पड़ेगा, इंडेस 10 में, इंडेस 10 तो इतना बड़ा आया था, हालांकि हर एक केस स्टडी का एक एक मार्क होगा, पर थ्योरी कॉन्टेंट जो था ना वो टॉप का 32 मार्क्स का थ्योरी कॉन्टेंट था। थ्योरी कंटेंट का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि थ्योरी मतलब प्रैक्टिकल केस स्टडी का ही आपको थ्योरी कंटेंट लिखना था, जहां पर सॉल्व नहीं करना था, जहां पर कैलकुलेशन नहीं थी। तो थ्योरी कंटेंट आपका इस बार बहुत अच्छा खासा आया था। मिसलेनियस टॉपिक मैंने शुरू से कहा है, आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैंने शुरू से कहा है आपको कि मिसलेनियस टॉपिक में से आता है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। मैंने अभी अपने लास्ट लेक्चर में बोला था, जो मैंने मोटिवेशन लेक्चर डाला था, इंपॉर्टेंट टिप डाली थी, मैंने बोला था कि मिसलेनियस टॉपिक जरूर करके जाना। 24 मार्क का मिसलेनियस टॉपिक से आया, इंडेस 1 से 5 मार्क का, इंडेस 24 से 4 मार्क का, फ्रेमवर्क और इंटीग्रेटेड रिपोर्ट मिला के और में आए थे 6 मार्क का, इंडेस 37 से आया 4 मार्क का, इंडेस 10 से आया 5 मार्क का, 37 भी बहुत कम पूछा जाता है। तो आपका जो थ्योरी कंटेंट था, सॉरी मिसलेनियस जो टॉपिक थे वो 24 मार्क्स के आए थे। इसके अलावा एज यूजुअल हम सब जानते हैं कि 40 मार्क अपने कवर होते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन और एफआई से, तो एफआई आपका 19 मार्क्स का आया था और बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन आपका 20 मार्क्स का आया था। कुल मिला के आपके 40 मार्क्स का पेपर इनमें से बनता है ऑन एन एवरेज, इस बार भी बना था। जहां तक बात करें स्पेशल कैटेगरी इंडेस की, जहां स्पेशल कैटेगरी में हम एक्सपेक्ट करते हैं भाई ईपीएस एसबीपी 21 12 19, ये कहीं से नहीं आया, 20 ग्रांट कहीं से नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कैटेगरी में अगर बात करें तो सेगमेंट रिपोर्टिंग से आया और इकट्ठा एक क्वेश्चन आया 16 मार्क का, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और इस वजह से पेपर थोड़ा सा लेंदी भी था। क्या लगता है आपको? आप अगर मेरी बात सुन पा रहे हो तो मुझे बताओ आप में से कितने लोगों ने, चैट पे मुझे बताओ आप में से कितने लोगों ने इंडेस 108 अटेम्प्ट किया, मुझे बताओ 108 कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया। इजी क्वेश्चन था, सेगमेंट रिपोर्ट बनानी थी पूरी की पूरी, आपके स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन था, बट मोस्टली क्या होता है ना हम नजरअंदाज करके जाते हैं, हम ध्यान देते हैं वो थ्रेशोल्ड लिमिट्स के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा असेट बेस्ड कैटेगरी से इस बार कंपैरेटिवली ज्यादा पूछा गया है। मैं इंडेस 41 एग्रीकल्चर को भी असेट बेस्ड कैटेगरी में रख रहा हूं, अगर आप उसको स्पेशल कैटेगरी में रखोगे तो एक अलग बात है। तो इंडेस असेट बेस्ड कैटेगरी से 29 मार्क्स का पूछा गया है, ठीक है ना, 108 मॉड्यूल से ही था, बिल्कुल बिल्कुल। अखिल गुप्ता, नो सर 108 का फॉर्मेट प्रॉपर नहीं होगा तो कितने मार्क्स मिलेंगे? फॉर्मेट प्रॉपर नहीं होगा तो आप ये मान के चलिए कि 50% मार्क्स मिलने चाहिए, 50% आपके कटने चाहिए, ठीक है। मैंने किया 108 पूरा, बहुत बढ़िया, पढ़ के गया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपको क्या लगता है मिसलेनियस टॉपिक कितने बच्चों ने, मुझे कमेंट पे बताओ मिसलेनियस टॉपिक में से कौन कौन से टॉपिक तुम नहीं करके आए इस बार, या तुमने कितने पोर्शंस तुम इसमें से तुमने अटेम्प्ट किए, मुझे बताओ मिसलेनियस में से तुमने कितने अटेम्प्ट किए कितने नहीं किए। अब अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन जो था, मैंने एज यूजुअल हमेशा बोला हुआ है या तो पहला क्वेश्चन बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का बनेगा या तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बनेगा, जनरली 103 से बनता है। तो 103 का पहला क्वेश्चन था, ये हमारा मास्टर प्रॉब्लम में क्वेश्चन दिया हुआ था। यस, मास्टर प्रॉब्लम जो मैंने सुपर 40 मास्टर प्रॉब्लम बनाई थी ना, सुपर 40 मास्टर प्रॉब्लम, उसमें हमारा यह क्वेश्चन कवर था। इसमें दो क्वेश्चंस का एडजस्टमेंट था और मैंने सुपर 40 में वो दोनों क्वेश्चन डाले थे, सुपर 40 में मैंने दो क्वेश्चन डाले थे, उन्होंने दोनों में से मिक्स करके दे दिए, ठीक है। उसके बाद इसके साथ 103 के साथ एक इंडेस 1 का क्वेश्चन आया था एज यूजुअल रीफाइनेंसिंग का, कि आपके वो करंट लायबिलिटी है बट वो आपको जो बैंक है वो टाइम दे रही है कि आप चाहो तो 2 साल 3 साल बढ़ा दो, तो बताओ आप इसको करंट मानेंगे कि नॉन करंट मानेंगे, रोल ओवर का क्वेश्चन था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन था, पूरा किया मिसलेनियस, इंटीग्रेट रिपोर्टिंग एंड इंडेस 24 नहीं किया। अच्छा सर, कुछ भी नहीं छोड़ गए, सारा पेपर करके और पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, वेरी गुड रिचा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 164 क्वेश्चंस और सुपर 40 मास्टर प्रॉब्लम्स आपको काम आए कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन अगर बात करें तो दूसरा क्वेश्चन की अगर बात करें तो इंडेस 105 से आया था,
सेकेंड क्वेश्चन वॉज केम फ्रॉम, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन था। मैं अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे सर इस एफआर के पेपर में ऐसी कौन सी चीज थी जो इस बार अलग आई, अच्छी आई, मोस्टली हमें लगता है कि 115 जो होता है 115 से कुछ गड़बड़ ना आ जाए, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में 115 से गड़बड़ नहीं होता है। इस बार क्या हुआ, इस बार आपका 105 जो क्वेश्चन था ना वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इसमें डेफिनेटली कुछ बच्चों को हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगा हो, इजी था पर टाइम लगा होगा, इजी था पर थोड़ा सा टाइम लगा होगा। देन अगर हम बात करें 115, हमें हमेशा 115 में डर रहता है कि अरे यार 115 से पता नहीं क्या आएगा। मैंने आपको बोला था 115 से मिनिमम 12-13 मार्क्स का आएगा ही आएगा। दो क्वेश्चन आए थे, एक तो वो वार आपका वेरिएबल कंसिडरेशन कि भाई इतने टाइम में करोगे तो आपका इतना आपको इंसेंटिव देंगे, इतने टाइम में करोगे तो इतना देंगे, पर इसके अंदर अच्छी बात यह थी कि इसके अंदर उन्होंने मॉडिफिकेशन जोड़ दिया था। तो मतलब मुझे इस बार अच्छा लगा इन 115 में जो 115 का क्वेश्चन था वो वेरिएबल कंसिडरेशन के साथ साथ मॉडिफिकेशन जोड़ दिया, मतलब दो चीजों को इकट्ठा करके पूछ लिया उन्होंने वेरिएबल कंसिडरेशन के साथ मॉडिफिकेशन। दैट वाज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है ना, आई बात समझ में कि नहीं। उसके बाद हम बात करें तो 115 का एक और क्वेश्चन आपको पता होगा हमारे किताब में मॉड्यूल में ये एलिवेटर का क्वेश्चन, वो लिफ्ट ले ली, लिफ्ट खरीद के कस्टमर के साइड पे रख दी, बाकी का कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट अलग है, तो वो उसकी जगह पर उन्होंने एयर कंडीशनर पूछ लिया, मतलब वो 115 आपका पूरा वैसा का वैसा ही आया, ठीक है, क्लियर। फिर 41 वो गाय भैंस वाला क्वेश्चन ही होता है जिसमें दूध है, वो गाय है, कुछ बछड़े हैं, कुछ की डेथ हो गई, कुछ का क्या हो गया, तो इंडिया 41 से सिंपल क्वेश्चन आया, ये भी मॉड्यूल का ही है, ठीक है। इंडिया 16 ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मेरे मास्टर प्रॉब्लम में कवर था, हमने इसको मास्टर प्रॉब्लम में कवर किया था, सुपर 40 में मास्टर प्रॉब्लम में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर किया था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में भी मिल जाएगा, मॉड्यूल में भी मिल जाएगा। 41 इजी था, डेफिनेटली इजी था। उसके बाद इंडिया 24 सरप्राइजिंग, बहुत सारे बच्चों को सरप्राइजिंग लगा होगा, मुझे बताओ कितने बच्चों ने इसको लेकर सरप्राइज, इनको इस क्वेश्चन को देखकर सरप्राइज फील किया कि अरे यार ये कहां से आ गए, ये तो करके ही नहीं गया था मैं, ठीक है। और उसके बाद एफआई का क्वेश्चन, मैंने आपको शुरू से कहा था कि यार एफआई इजी आएगा, टेंशन मत लो, एफआई में आपको बहुत इजी चीज पूछेंगे। ये जो क्वेश्चन था ये भी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है जहां पर प्रिंसिपल पेमेंट आपको पूरा देना है, फिर लास्ट में आपको इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करके 3 इंस्टॉलमेंट्स में देना है, इतना ईजी पॉइंट था ये वाला पॉइंट हम हमेशा अपने क्लास में करते हैं और मैंने इसको हर बार इसको फास्ट ट्रैक में सॉल्व करवाया है, आई बात समझ में कि नहीं। तो एफआई वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसके अलावा अगर बात करें तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, पता था कि थ्योरी में आना ही आना है, सीएसआर, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, उसमें से आया। सरप्राइज नंबर 2, मतलब एक सरप्राइज आपका इंडेस 105 वाला जो अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा सरप्राइज नंबर 2 कि इंडेस 108 से किसी ने नहीं सोचा होगा कि 16 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा पूरी सेगमेंट रिपोर्ट बनाने के लिए, पूरा डिस्क्लोजर बेस्ड क्वेश्चन था सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो यस, पेपर लेंथी अगर होगा तो इस क्वेश्चन की वजह से तो डेफिनेटली लेंथी होगा। किन किन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दिया ऑप्शन में, शायद मैं होता तो क्वेश्चन नंबर 5 शायद मैं ऑप्शन में छोड़ देता अगर मैं 108 का यह डिस्क्लोजर बेस्ड क्वेश्चन नहीं करके जाता। तो 108 16 मार्क का क्वेश्चन आया था, बहुत इजी था बट डिस्क्लोजर बेस्ड था। उसके बाद इंडेस 37, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन नंबर 5 कुछ लोगों ने छोड़ा ही होगा, बहुत लोगों ने छोड़ा होगा क्योंकि 37 को लोग इंपॉर्टेंस बहुत कम देते हैं और 108 का जो प्रैक्टिकल गिव वाला क्वेश्चन है इसको भी बहुत कम लोग देख के गए होंगे, इस वजह से मुझे लगता है कि बच्चों ने छोड़ा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों ने छोड़ा होगा। कुछ बच्चे लिख रहे हैं आई लेफ्ट, कुछ बच्चे लिख रहे हैं नहीं हमने कर दिया। उसके बाद इंडेस 10, सेकंड रीजन कि पेपर लेंथी क्यों था, बिकॉज ऑफ इंडेस 10, एक तो इंडेस 108, दूसरा इंडेस 10। इंडेस 10 में था कुछ नहीं, बहुत इजी चीजें पूछी थी कि बताइए आपका क्या बोलते हैं इंडेस 10 के अकॉर्डिंग एडजस्टिंग इवेंट होगा कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा, ठीक है ना, रिपोर्टिंग इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट तो कौन से इवेंट तक माना जाता है, तो ऐसे केस में 5 केसेस थे पर 5 केसेस को डिस्क्राइब करने के लिए थ्योरी कंटेंट अच्छा खासा लिखना था।
तो वो इसके कारण भी आपका पेपर लेंदी हो गया। बाकी होल्डिंग सब्सिडी वाला क्वेश्चन आपको याद होगा, एफआई के अंदर होल्डिंग ने सब्सिडी को लोन दिया है कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, उसमें सिर्फ उन्होंने एक एंट्री पूछी थी कि एंट्री बताओ क्या होगी, बहुत इजी। उसके बाद AS2 का क्वेश्चन आया था कि हम अपने कस्टमर का ऑर्डर मिला है गिफ्ट बनाने का, यह आपका इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का था और हमारे मास्टर प्रॉब्लम में भी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में और मास्टर प्रॉब्लम में भी था। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन मैंने बोला था कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसमें एफआई और बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन में से आता ही है, और यही रीजन है कि मैंने आपको कहा था कि आप क्वेश्चन नंबर 6 पहले पहले निपटा लेना। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 का जो डी नंबर पॉइंट है वो आपका डिस्पोजल वाला आया था कि पहले मेरे पास आपका 100% शेयर है, फिर मैं 80% बेच रहा हूं, तो डिस्पोजल करने पर बताओ क्या डी रिकॉग्निशन होगा और इंडिविजुअल बुक्स में भी क्या क्या इफेक्ट होगा। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूं कि यस पेपर वॉज लेंदी, पर जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दिया होगा ऑप्शन में उसको ये पेपर लेंदी थोड़ा सा कम लगा होगा, बाकी उसके लिए अप्रोचेबल होगा। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमने तो 95 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, हमने 100% मार्क्स का अटेम्प्ट किया, तो लेंदी था पर लेंदी इतना भी नहीं था कि अपन उसको लेकर रोना शुरू कर दें। नाउ मुझे आपके व्यूज दिख रहे हैं, मुझे समझ में आ रहे हैं कि आपका पेपर आई होप अच्छा ही गया होगा, कमेंट मुझे जरूर करके बताना। अब बात इतनी सी है कि मैंने पहले बोला था कि एफआर का पेपर कभी टफ नहीं आता है, मॉडरेट आता है, इजी आता है या मॉडरेट आता है, थोड़ा लेंदी जरूर होता है, तो लेंदी था। जो हुआ जैसा हुआ छोड़ दो, ऊपर वाले के ऊपर, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में आपकी मेहनत थी, आपने कर ली, बस अपनी मेहनत पर विश्वास करो, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अब आपको क्या करना है, एसएफएम, एसएफएम का टाइम है, एसएफएम का आपको कैसे करना चाहिए ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, आज का दिन प्लीज इन्वेस्ट अच्छे से करना, वेस्ट मत करना। एसएफएम के कम से कम 3 टॉपिक जो भले इजी वाले हो, मोस्ट इजी हो, वो 3 टॉपिक्स करके ही उसके बाद सोना, अदरवाइज आपका अगला दिन बहुत भारी हो सकता है। जो हुआ सब अच्छा हुआ, जो होगा बहुत अच्छा होगा, इस उम्मीद से आपको आगे बढ़ना है, बी कॉन्फिडेंट। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, वापस से बोलूंगा, आपके हाथ में है आपकी मेहनत, आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है, तो जिस चीज के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है उसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है, आप सोचोगे तो टाइम वेस्ट करोगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर्स, बीच में कोई भी ऐसा टेंशन हो, पैनिक सिचुएशन हो, जस्ट कॉल मी, मैं एक कॉल की दूरी पर हूं बस, जस्ट कॉल मी, हो सकता है शायद मैं आपको मोटिवेट कर सकूं, ठीक है। और अगर पैनिक सिचुएशन आ रही है तो यह जरूर सोचना कि इतने महीनों से फिर मैं मेहनत ही क्यों कर रहा था, अगर मुझे गिवअप ही करना है तो इतने महीनों से मैं मेहनत क्यों कर रहा था गाइस, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई बिलीव आपके आगे के भी एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे, थैंक्स अ लॉट।